इस तरीके से अपने हल्दी ले लेंगे दोस्तों, इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने, राइट। अब होपर को कर देंगे दोस्तों अपने क्लोज। अब मशीन को कर देते हैं दोस्तों स्टार्ट, और अब आपको दिखाएंगे फिर किस तरीके से हल्दी की क्वालिटी आती है दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो हल्दी है पिस के तैयार हो चुका है। अब अपने इसका होपर जो आपको खोल के दिखाते हैं किस तरीके की क्वालिटी आई है हल्दी की, राइट। ये देख पाएंगे दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से आपका जो हल्दी एकदम दोस्तों पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों जैसे कि देख पाएंगे आपका जो हल्दी है एकदम दोस्तों पाउडर हो चुका है, ये देखिए दोस्तों एकदम पाउडर हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, उनसे अपने पूछते हैं किस तरीके से कितना टाइम लगा। सर कितना टाइम लगा हल्दी आपके सामने पीसी? एक दो मिनट में आपके सामने सर देख पा रहे हैं एकदम पाउडर बन गया है। हाँ पाउडर ऐसे ऐसा दरदरा तो नहीं है सर ये? नहीं। अब इसके अंदर मिर्ची अपने ऐड कर देंगे, और अब आपको मिर्ची की भी क्वालिटी दिखाते हैं किस तरीके से मिर्ची भी पिस के तैयार हो जाने वाली है दोस्तों। अब होपर को कर देंगे क्लोज, मशीन को कर देंगे, और आपको दिखाएंगे इसकी क्या क्वालिटी आई है। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या क्वालिटी आई है दोस्तों मिर्ची की, ये देखिए प्रॉपर मिर्ची भी आपका दोस्तों प्रॉपर ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए एकदम फाइन पाउडर हो चुका है आपका। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उतना धनिया आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और उस हिसाब से अपने प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जो आपका धनिया है अब अपना पीस के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे टिल्टिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से प्रॉपर टिल्ट होकर आपका जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली निकल जाने वाला है बाहर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैक्सन मशीन कंपनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों लेके आ चुके हैं आपके लिए छोटा सा मिनी स्पाइस ग्राइंडर मशीन। इस मशीन के अंदर से आप कोई भी चीज़ जो स्पाइसेस रहता है वो आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मिर्ची पीसना चाहते हैं तो मिर्ची भी इसी मशीन के अंदर से पीस जाने वाला है दोस्तों। अगर जो धनिया रहता है, जो धाना जिसे कहा जाता है, वो पीसना चाहते हैं तो वो भी इसी छोटे से मशीन के अंदर से पॉसिबल हो जाने वाला है दोस्तों। अगर आप ये जो दालचीनी रहता है, तज जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये पीसना चाहते हैं तो ये भी इसी मशीन के अंदर से पीस सकते हैं। और जो दोस्तों हल्दी रहती है, हल्दी जो आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं पीस के देती है दोस्तों, ये छोटा सा मशीन आपको पीस के दे देने वाला है दोस्तों। अब आपको पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिखाने वाले हैं, पूरा इस मशीन का लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है, क्या इसके फीचर फंक्शन है। देख पाए दोस्तों छोटा सा मशीन है, कॉम्पैक्ट साइज का, कहीं भी अगर आप कैरी करना चाहते हैं, अगर आपका रेस्टोरेंट है या फिर अगर आपका कैटरिंग का कामकाज है दोस्तों, ये मशीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाने वाला है। देख पाएंगे इतना छोटा सा मशीन है, अगर आपके रेस्टोरेंट के किचन में छोटी सी जगह में इसको रख के आपका जो स्पाइसेस है वो आप ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपका कैटरिंग का कामकाज है तो आपके जो कैटरिंग के वहाँ पर कस्टमर के वहाँ पर अगर आपको लेके जाना है तो भी इसको आसानी से कैरी किया जा सकता है, राइट। छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का मशीन है दोस्तों, इसका आपका यूसेज बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। जो आपका मटेरियल उसको प्रॉपर पाउडर फॉर्म में कर देने वाला है। इसका प्रॉपर आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे किस तरीके से इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो पिसते हैं और क्या उसकी क्वालिटी आती है, देखेंगे दोस्तों। यहां से अपने इसको ओपन कर देंगे इस तरीके से, और ये इसका होपर ओपन हो चुका है दोस्तों, देखिए। अब इसके अंदर आपको जो भी लाइक स्पाइसेस रहते हैं वो पीस के दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो धनिया रहता है दोस्तों वो आपको पीस के दिखाएंगे इसके अंदर। ये धनिया आपने ने ले लिया, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उतना धनिया आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, और उस हिसाब से अपने प्रॉपर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। अब इसको अपने लॉक कर देंगे, और यहाँ से अपने इसको लॉक कर देंगे अच्छे से। अब आपका मशीन रेडी है दोस्तों प्रोडक्शन करने के लिए। अब इसके अंदर यहाँ से अपने इसको स्विच मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे आपको 5 मोड मिलते हैं, जैसे कि लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 की स्पीड पे इसको आप लाइक चला सकते हैं, जो फटाफट आपका जो चीज़ है वो ग्राइंड हो जाने वाला है, राइट। और बेहतरीन क्वालिटी का दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर पीस के तैयार हो जाने वाला है। अब इसके अंदर आपको पीस के दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से मशीन को ऑन करते हैं अपने दोस्तों, देखेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो पिसना स्टार्ट हो चुका है। अभी अपने ने फर्स्ट की स्पीड पे दौड़ा रखा है इसको, एक की स्पीड पे ये अभी चल रहा है। अब इसको और भी ज़्यादा अपने स्पीड बढ़ानी है तो वो भी पॉसिबल हो जाने बोला है, वो भी आपको बढ़ा के दिखाते हैं किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाना रहता है। और दोस्तों देखेंगे इस तरीके से अपने इसको होपर को जो है इस तरीके से हिलाना है, ताकि जो अंदर प्रॉपर आपका जो मसाला है वो अच्छे से कोने कोने का जो मसाला है अच्छे से प्रॉपर ग्राइंड होके आ जाने वाला है, और एकदम बेहतरीन क्वालिटी का आपका जो प्रोडक्ट है दोस्तों बन के तैयार हो जाने वाला है, वो भी मिनटों के अंदर दोस्तों, राइट। तो दोस्तों जैसे कि अपना जो मटेरियल है वो अंदर अपने ने पीस दिया है अच्छे से, और अब आपको इसके अंदर से दिखाते हैं क्या क्वालिटी आया है उसका। जैसे इसका होपर अपने ऑन कर देंगे, यहाँ से ओपन कर दिया इसका होपर अपने ने। तो दोस्तों जो आपका धनिया है अब अपना पीस के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे टिल्टिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से प्रॉपर टिल्ट होके आपका जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली निकल जाने वाला है बाहर।
ओके। और यहाँ पे आपको इस तरीके का एक ब्रश दिया जाता है, क्लीनिंग ब्रश जिसे कहा जाता है। दोस्तों आसानी से इसके माध्यम से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, देखेंगे एकदम इजी टू क्लीन भी है दोस्तों। सेकंडों के अंदर आपका प्रोडक्ट भी पिस जाता है, सेकंडों के अंदर आप इसके अंदर से क्लीनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यानी क्लीनिंग भी आपका बहुत ईजी हो जाने वाला है हमारे जैक्सन मशीन कंपनी के इस छोटे से मशीन के माध्यम से। राइट, अब आपको और भी चीज़ें पीस के दिखाने वाले हैं किस तरीके से उसकी क्या क्वालिटी आती है। अब जैसे कि जो दालचीनी रहती है जिसे तज कहा जाता है, ये भी आपको ग्राइंड करके दिखाएंगे इसके अंदर ही कि क्या क्वालिटी आती है उसकी। तो दोस्तों अब इसके अंदर आपको दालचीनी डाल रहे हैं, जैसे कि देखिए इस तरीके से जो दालचीनी रहती है दोस्तों अपने इसके अंदर ऐड कर देंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने ऐड कर देंगे। राइट, तो अब दालचीनी भी ये प्रॉपर आपका पीस के दे देने वाले। यहाँ पर देखेंगे ये जो तज जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये है, अब इसका भी प्रॉपर एक पाउडर फॉर्म कर देने वाला है। राइट, यानी एकदम छोटा सा कॉमर्शियल यूज़ के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाने वाला है ये मशीन। अब दोस्तों इसका स्विच ऑन कर देंगे और आपका जो दालचीनी है वो पिसना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका दालचीनी जो है वो पिसना स्टार्ट हो चुका है, अब सेकंडों के अंदर मिनटों के अंदर दोस्तों ये आपका जो पाउडर कर देने वाला है दालचीनी का भी। तो दोस्तों जो आपका दालचीनी है वो भी पिस के तैयार हो चुका है। ऊपर को फिर से अपने ओपन कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बेहतरीन क्वालिटी की आपका जो दालचीनी है वो भी पिस के तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन क्वालिटी की आपकी जो दालचीनी पाउडर है दोस्तों पिस के तैयार हो चुका है। अब इसको अपने आपको निकाल के दिखाते हैं क्या क्वालिटी आया है इसका। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे एकदम आपका जो दालचीनी एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए एकदम पाउडर दोस्तों बन चुका है आपका जो दालचीनी पाउडर है, वही सेम देखें धनिया की भी वही सेम हालत है दोस्तों, देख पाएंगे एकदम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड हो चुका है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों जैसे कि देख पाएंगे अपने ने दो चीज़ आपको इसके अंदर ग्राइंड करके दिखाई। अब इसकी हल्दी आपको पीस के दिखाएंगे, इसके अंदर जो हल्दी रहता है वो अब आपको पीस के दिखाते हैं। इस तरीके से अपने हल्दी ले लेंगे दोस्तों, इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने। राइट, और कुछ ही सेकंड और कुछ ही मिनटों के अंदर दोस्तों आपका जो हल्दी है वो पीस के तैयार हो जाने वाला है। अब होपर को कर देंगे दोस्तों अपने क्लोज, अब मशीन को कर देते हैं दोस्तों स्टार्ट और अब आपको दिखाएंगे फिर किस तरीके से हल्दी की क्वालिटी आती है दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से आपका जो होपर है उसको अपने इस तरीके से अप एंड डाउन करेंगे जिसकी वजह से हल्दी जो है या फिर कोई भी आपका जो मटेरियल है वो अच्छे से ग्राइंड हो सके। राइट, तो दोस्तों आपका जो हल्दी है पीस के तैयार हो चुका है। अब अपने इसका होपर जो आपको खोल के दिखाते हैं किस तरीके की क्वालिटी आई है हल्दी की। राइट, ये देख पाएंगे दोस्तों इतनी बेहतरीन तरीके से आपका जो हल्दी एकदम दोस्तों पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए एकदम दोस्तों पाउडर फॉर्म में आपका जो हल्दी है दोस्तों वो कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं इसको बाहर निकाल के। तो दोस्तों जैसे कि देख पाएंगे आपका जो हल्दी है एकदम दोस्तों पाउडर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों एकदम पाउडर हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं, उनसे अपने पूछते हैं किस तरीके से कितना टाइम लगा। सर कितना टाइम लगा हल्दी आपके सामने पीसी? एक दो मिनट में आपके सामने सर देख पा रहे हैं एकदम पाउडर बन गया है। हाँ पाउडर हो गया है। हाँ, एक कुलम पाउडर। ऐसा दरदरा तो नहीं है सर? नहीं एकदम बेहतरीन है। और कैसा लग रहा है सर मशीन आपको? अच्छा है दोस्तों, देख पा रहे हैं ये होती है क्वालिटी और ये मुमकिन होती है जैक्सन मशीन कंपनी की मशीनों के माध्यम से। इतनी बेहतरीन तरीके की आपकी जो दोस्तों हल्दी ये मशीन पीस के दे देता है दोस्तों। बड़ी बड़ी जो मशीनें रहती है वो हल्दी पीसने में दोस्तों असमर्थ हो जाती है, ये आपको आसानी से हल्दी भी ग्राइंड करके दे देने वाला है दोस्तों। अब इसके अंदर जो मिर्ची रहता है वो आपको पीस के दिखाएंगे, मिर्ची की क्या क्वालिटी आती है, किस तरीके की मिर्ची का पाउडर बन के तैयार होता है दोस्तों। जब मिर्ची है, मिर्ची की जो ऊपर की जो डंडी रहती है दोस्तों अपने निकाल ली है, अब इसके अंदर मिर्ची अपने ऐड कर देंगे और अब आपको मिर्ची की भी क्वालिटी दिखाते हैं किस तरीके से मिर्ची भी पीस के तैयार हो जाने वाली है दोस्तों। अब भोपर को कर देंगे क्लोज, मशीन को कर देंगे और आपको दिखाएंगे इसकी क्या क्वालिटी आई है। अब ये हो चुका है दोस्तों आपका मशीन ऑन, आपकी जो दोस्तों मिर्ची है वो अच्छे से ग्राइंड हो रही है अंदर और मिनटों के अंदर आप इसके अंदर से कोई भी चीज़ ग्राइंड कर सकते हैं। हैवी प्रोडक्शन आपको ये करके दे देने वाला है दोस्तों ये मशीन। दोस्तों जैसे कि अब आपको दिखाते हैं क्या मिर्ची की क्वालिटी आई है, जैसे कि अपने होपर को फिर से ओपन कर देंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे क्या क्वालिटी आई है दोस्तों मिर्ची की। ये देखिए प्रॉपर मिर्ची भी आपका दोस्तों प्रॉपर ग्राइंड हो चुका है। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर हो चुका है आपका दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे ये आपका जो मिर्ची है एकदम प्रॉपर, ये भी एकदम फाइन पाउडर होके तैयार हो चुका है एकदम दोस्तों। देखिए ये होती है क्वालिटी सभी चीज़ों की। आप देखेंगे इतनी बेहतरीन तरीके से आपका जो मसाला है वो प्रॉपर ग्राइंड हो चुका है। आपके जो स्पाइसेस है दोस्तों ये प्रॉपर आपको ग्राइंड करके दे दिए हैं। अगर आपका दोस्तों रेस्टोरेंट कैटरिंग वगैरह का कामकाज है या फिर अगर आप घर के यूज़ के लिए भी लेना चाहते हैं तो भी दोस्तों मशीन बेस्ट है आपके लिए। आसानी से आपके जो मसाले रहते हैं वो एक हाइजेनिक तरीके से आप ग्राइंड कर सकते हैं और आप घर पे एक अच्छी क्वालिटी के मसाले ग्राइंड करके आप खा भी सकते हैं। अगर आपके कैटरिंग रेस्टोरेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो भी कस्टमर आपके यहाँ पे दोस्तों इस तरीके आप
अगर आप मसाले यूजेस करेंगे लाइक अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज करेंगे तो आपके जो कस्टमर है वो भी वापस रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये छोटा सा मशीन है, काम इसको बड़ी मशीनों से भी अच्छा आपको करके दे देता है। हल्दी भी देखेंगे इतनी बेहतरीन तरीके की हल्दी भी आपको ये दोस्तों पीस के दे दिया है, जो बड़ी बड़ी मशीनें आपको नहीं पीस के दे पा रही है। दोस्तों ये छोटा सा जैक्सन मशीन कंपनी का कॉमर्शियल यूज वाला स्पाइस ग्राइंडर मशीन आपको इतना अच्छा परफेक्शन करके दे देने वाला है। बिजली कंजप्शन भी आपका दोस्तों बिल्कुल ही कम लग जाने वाला है। इस मशीन की ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आज ही कॉल कीजिए और जैक्सन मशीन कंपनी के साथ जुड़ के अपनी मशीन आज ही बुक कर दीजिए।